बच्चों आप लोग कैसे हैं? अच्छे अच्छे हैं कि बहुत अच्छे हैं? बहुत अच्छे। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी अच्छी चल रही, बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी। बच्चों हम अपना आप लोगों को परिचय दे दें। हाँ। मेरा नाम जगदीश यादव है, मैं RSCL क्वालिटी टीम यानी हरी कंपनी, आप लोग इसको जानते हैं? हाँ। तो बच्चों आप लोग घर में टीवी देखते हैं? हाँ। इनका प्रचार कौन दिखाते हैं? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जी आप कुछ बोलते भी हैं? हाँ। क्या बोलते हैं? पहले इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मैं इसी कंपनी से आज आप लोगों को विद्यालय में उपस्थित हूँ। आज आप लोगों को बेहतर पढ़ाई, बेहतर सफाई के बारे में बताएंगे, ठीक बच्चों? हाँ। जैसे कि बेहतर पढ़ाई के बारे में तो आपके माता पिता, आपके शिक्षक आप लोगों को बताते हैं ना? हाँ। आज हम आप लोगों को बेहतर सफाई के बारे में बताएंगे। पढ़ाई के साथ साथ सफाई का संबंध होना चाहिए, ठीक बच्चों? हाँ। गंदे कपड़े पहनने से शरीर में कीटाणु आते हैं, क्या आते हैं? कीटाणु। तो हमें बीमार बना सकते हैं, इसलिए हमें हमेशा कैसे कपड़ा पहनना चाहिए? तुम लोग जब नहा धुल के स्कूल नहीं आओगे, गंदे कपड़े पहनोगे तो पढ़ने मन लगेगा? नहीं। इसलिए स्कूल कैसे आना चाहिए? कपड़े जल्दी गंदे ना हो, बैठने से पहले हमें उस स्थान को क्या करके बैठना चाहिए? आप लोग बिना उस स्थान पे जब बैठेंगे, साफ नहीं करेंगे तो कपड़ा गंदा हो जाएगा ना? इसलिए बैठने से पहले हमें उस स्थान को क्या करना चाहिए? खाना साफ बर्तन में खाना चाहिए, वो भी ठीक से हाथ को धोना चाहिए। बच्चों आप लोगों को स्कूल में खाना मिलता है ना? हाँ। अगर थाली नहीं साफ रहती तो आप लोग थाली को साफ कर खाना खाते हैं ना? हाँ। अच्छा बच्चों बताइए, हाथ में सबसे ज्यादा गंदगी कहाँ होती है? कहाँ होती है? नाखून में होती है। अगर नाखून में जो गंदगी रहेगी, तुम लोग बढ़िया से हाथ नहीं धुलोगे, खाना खाओगे तो उसी के सहारे जो नाखून में गंदगी रहेगा पेट में चला जाएगा, पेट में चला जाएगा। तब तुम लोग क्या पड़ जाओगे? जब बीमार पड़ जाओगे तो पढ़ाई मन लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए खाना खाने से पहले हमको खूब अच्छी तरह हाथ को धो लेना चाहिए। हमें अपने घर, स्कूल, शहर में गंदगी फैलाना चाहिए? उसे साफ सुथरा रख के उसकी सुंदरता को बढ़ाना चाहिए। हम अपने गांव हो, घर हो, स्कूल, शहर कहीं भी हो, हमको गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। बल्कि सामने अगर कोई गंदगी दिखाई दे तो हमको उठाकर उसको कहाँ डालते हैं? जहाँ भी हम रहे वहाँ हमको साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक साफ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, जिससे पढ़ाई अच्छी हो पाती है। इसलिए बच्चों स्कूल कैसे बन के आना चाहिए? अच्छे। साफ बन के आना चाहिए। जब आप लोग नहा धुल के स्कूल आएंगे, अच्छे कपड़े पहने रहेंगे, तो आप लोगों का माइंड भी फ्रेश रहेगा ना? जब माइंड फ्रेश रहेगा तो तभी तो पढ़ने मन लगेगा। इसलिए स्कूल कैसे बन के आना चाहिए? अच्छे। अच्छा बच्चों बताइए, सफाई एक दिन का काम है कि प्रत्येक दिन का? प्रत्येक दिन का। सफाई रोज के लिए अपनी आदत डालना चाहिए, प्रत्येक दिन सफाई करना चाहिए। आप लोगों का यूनिफॉर्म, आप लोगों का कपड़ा धुलने के लिए हमारा घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, घड़ी डिटर्जेंट केक है, जो अच्छी तरह सफाई दे। आप लोग स्वस्थ रहें, धन्यवाद। बच्चों हमने आप लोगों को अभी भी किसके बारे में बताया? पढ़ाई और बेहतर सफाई। तो सभी छात्र छात्राओं को बेहतर पढ़ाई, बेहतर सफाई बारे समझ में आ गया? कोई इसमें से बोल सकता है? कोई आए? और कोई जाने नहीं बताना? मुस्कान जाओ जी, बोलो बेटा। बेहतर पढ़ाई से हम कुछ आगे बन सकते हैं? बेहतर सफाई के बारे में बताना चाहते हैं हमें, गंदा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, हाथ धुल के खाना खाना चाहिए, यही सब तो है। रोज तुम नित कर कर जाती बेटा, ऊपर चल जाओ मैडम, है ना? वहाँ पे चल जाओ आराम से, बढ़िया से बच्चे बताते हैं ना? मुस्कान मैडम, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ, मेरे विद्यालय का नाम प्राथमिक विद्यालय सोगाई, और बेहतर पढ़ाई बेहतर सफाई के बारे में हम बताने जा रहे हैं। बेहतर पढ़ाई हम करेंगे तो हम कुछ भी बन सकते हैं, और माँ बाप का भी नाम रोशन कर सकते हैं, और टीचर का भी, और हम अपना गांव का भी नाम रोशन कर सकते हैं। बेहतर
सफाई करेंगे तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे और बीमार भी नहीं पड़ेंगे, और बीमार पड़ जाएंगे तो हम लोग स्कूल नहीं आ पाएंगे, तो इसीलिए हम लोगों को स्वस्थ रहना चाहिए। सफाई जरूरी है और बेहतर पढ़ाई। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। इस्तेमाल करिए, उसके बाद जब खत्म हो जाए ही पाउडर बाजार से ही मंगाना, ठीक है बच्चों? आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप अपने स्कूल में सर बीपीबीएस एपीटी कराने के लिए आपने अनुमति दी है। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर बच्चे के लिए सर एक्टिविटी करके भी दिखाया गया बेहतर पढ़ाई और बेहतर सफाई के बारे में, सर आपको कैसा लगा? बहुत आप लोगों का ये जो कार्य जो है सराहनीय रहा और उत्साह वर्धन रहा। बच्चों को जो प्रोग्राम आप लोगों ने पार्टिसिपेट करके दिखाया बहुत बेहतर, और मैं भविष्य में भी आप लोगों से आकांक्षा यही करता हूँ कि इस प्रकार का प्रोग्राम जो है कि छोटे छोटे कस्बों में
और शहरों में गांव के बीच में किया जाए, खास तौर से बच्चों और बच्चियों एवं जो है कि गार्जियनशिप के बीच में किया जाएगा तो इसका बेहतर परफॉर्मेंस होगा और यह कार्यक्रम बेहतर है। और आप लोगों के लिए मैं अग्रिम जो है ईश्वर से दुआ करता हूँ कि आप लोग इस कार्यक्रम को और बेहतर से बेहतर कर पाए। धन्यवाद। ठीक है सर, आपने समझ लिया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।